अभिनेता शाहरुख खान जो इन दिनों काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं, वह गुरुवार की सुबह अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे। ड्रग केस में आर्यन खान 3 अक्टूबर से जेल में बंद हैं और सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ग्रे टी शर्ट और ब्लू डेनिम पहने किंग खान यहां दिखे। बेटे की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार देखा गया। उनके चेहरे पर एक पिता की बेबसी साफ नजर आ रही थी। आर्थर रोड जेल के अंदर जाते और बाहर आते वक्त शाहरुख खान मीडिया के कैमरों में कैद हुए। मीडिया के सवालों से बचते बचाते किंग खान आर्थर रोड जेल के अंदर दाखिल हुए। शाहरुख खान अपनी सिक्योरिटी से घिरे हुए अपनी कार तक पहुंचे। हालांकि मीडिया के सवालों के बावजूद खान हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। वहीं आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है, मैटर इज नेक्स्ट फॉर ट्यूसडे, द हाई कोर्ट हैज रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग, द एएसजी वाज प्रेजेंट, एएसजी हैज सेड दैट ही विल बी रेडी ऑन ट्यूसडे, सो वी विल मीट यू ऑल ऑन ट्यूसडे। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद और घर से दूर 20 रातें बिताने के बाद आर्यन और किंग खान की यह दूसरी मुलाकात है। इसके पहले बेटे की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद खान ने एनसीबी से एजेंसी के लॉकअप में उनसे कुछ समय के लिए मिलने की अनुमति ली थी। वहीं आर्यन की मां गौरी खान भी बेटे के लिए पिज्जा के पैकेट लेकर एनसीबी लॉकअप पहुंची थी, लेकिन उन्हें मिलने और खाना देने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद वह पार्सल के साथ वापस मन्नत लौट आई थी। मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने बुधवार को ड्रग मामले पर सुनवाई करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने 2 अक्टूबर को लग्जरी क्रूज शिप पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग रखने और इसके इस्तेमाल के आरोप में आर्यन खान और अन्य 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज ड्रग मामले में आर्यन के अलावा 2 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सनसनीखेज क्रूज शिप रेड में अब तक एक विदेशी समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। INS रिपोर्ट।